हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं मतलब क्रिश्चियन, हमारे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैंने एक मार्केट से क्लैंप मीटर परचेस किया है, उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और उसके फीचर्स के बारे में बताएंगे कि आपको उसमें क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आपको कितने प्राइस में मिलेगा और कितने प्राइस में आपको परचेस होगा। सारी चीज़ आप लोगों को इस वीडियो में बताई जाएंगी, बस आपको हमारी वीडियो ध्यान से देखना है और स्टेप बाय स्टेप समझना है। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे अच्छा समझा दूंगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दी वीडियो को लाइक और चैनल कर दे सब्सक्राइब, नहीं तो आप वीडियो की भावना में खो जाएंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाएंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे पास है यूनिटी का डिजिटल क्लैंप मीटर, जिसके आप लोग देख रहे हैं। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और इसके फीचर्स के बारे में बताएंगे कि आपको इसमें क्या क्या फीचर्स मिलेंगे और वो आपको कितने प्राइस में परचेस होगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल वर्क करते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट मीटर है, तो आप इसको मार्केट से परचेस कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसको हम अनबॉक्सिंग करेंगे और आप लोग को दिखाएंगे इसमें। ठीक है, यहाँ पर सारे फीचर्स इसके लिखे हुए हैं, अभी हाँ मैं आपको बाद में समझाऊँगा जब इसको अनबॉक्सिंग करेंगे तो। ठीक है, तो चलिए इसको जल्दी से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि हमारा मीटर कैसा है और आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको अनबॉक्सिंग करेंगे और हमको इसमें एक यहाँ पर बैग मिल जाती है, जो कि काफ़ी जो है अच्छी से हमारा पैक होकर मीटर आता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर एक चैन लगी हुई है, इसको हम यहाँ से खोल लेंगे। तो चलिए जल्दी से इसको खोलते हैं, फिर आपको बताते हैं कि इसमें हमको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं और इसको कैसे आपको यूज करना है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का हमारा मीटर है, जिसके आप देख रहे हैं क्लैंप मीटर इसको बोलते हैं, और एक मिली मीटर भी आता है, मैं उस पर वीडियो बाद में बनाऊँगा। तो ये क्लैंप मीटर हमारा है और हमको इसमें दो लीडें मिल जाती हैं, जिसको हम लगा के चेक करते हैं वोल्टेज एम्पियर। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हमको इसमें लीड मिल जाती है। आप इसको लगा के आप किसी भी डाईबोर्ड को चेक कर सकते हो और किसी भी वोल्टेज को चेक कर सकते हो, आप चाहे जो चीज़ के चेक कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ आपको एक 9 वोल्टेज की बैटरी मिल जाती है। अब इसको मीटर में डालेंगे तो आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर हमारा बैग काफ़ी अच्छी क्वालिटी का हमको मिल जाता है इसकी सेफ्टी के लिए, और यहाँ पर एक कार्ड मिल जाता है, यहाँ पर मीटर के फीचर के बारे में लिखे हुए हैं। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं और अपने हिसाब से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर लग देते हैं और चलिए हम जल्दी से इसमें बैटरी डाल लेते हैं। और यहाँ पर हमको जैसे कि आप क्लैंप मीटर है हमारा, ऊपर हमारा क्लैंप लगा हुआ है, उससे हम किसी भी वायर को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें हम जल्दी से बैटरी लगा लेते हैं और इसको ऑन करके आप लोगों को दिखाते हैं कि हमारा क्लैंप मीटर कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो यहाँ पर ओपन लिखा हुआ है, तो हम यहाँ से इसको पेज को खोल लेंगे और यहाँ पर हमको बैटरी लगाना है। तो इसको ये हमारा ओपन हो गया है और इसमें हमको दो वायर दिए होते हैं, यहाँ पर क्लिप लगी हुई है हमारी बैटरी में लगाने वाले, बस हम इसको यहाँ पर ऐसे बैटरी में लगा देंगे, बस हमारा मीटर ऑन हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से इस बैटरी को खोल लेते हैं और इसको जल्दी से लगा देते हैं। तो हमने अपने बैटरी को खोल लिया है, अब हम इसमें ये लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ दो पिन है, इसको हम ऐसे लगा देंगे, बस हमारी एकदम आसानी से लग जाएगी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, आप अगर क्लैंप मीटर लेते हैं तो आपको ऐसे ही लगाना है, और सबसे बेस्ट क्वालिटी का क्लैंप मीटर है और काफ़ी ज़्यादा सस्ता है भी। आप लोग उसका प्राइस बताएंगे कि आपको कितने प्राइस में लेना है। ठीक है, तो हमारी बैटरी लग चुकी है, अब इसको बैटरी को ऐसे हम इसमें लग देंगे, बस एकदम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बैटरी को बहुत अच्छे से रख देते हैं ऐसे, और उसके बाद हम इसके ऊपर का ये ढक्कन लगा देते हैं, बस हमारा एकदम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको ऑन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पेज को कस देते हैं, इसको ऑन करके आप लोगों को दिखाते हैं। ठीक है, मैं इस पर एक वीडियो और बनाऊंगा कि इसको यूज कैसे करना है, क्योंकि अगर हम इसमें ही समझाएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, इसका हम इसमें प्राइस बताएंगे और आपको ये कहाँ से लेना है ये भी मैं आप लोग बता दूंगा। ठीक है, इसका ऑनलाइन प्राइस इससे काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो आपको इसको ऑनलाइन नहीं लेना है, आपको इसको मार्केट परचेस कर लेना है, वो आपको सस्ता मिल जाएगा। और मैंने एक आयरन शोल्डर भी ली है, उसको भी मैं वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊंगा। तो हमारा ये ऑन हो चुका है, चलिए इसको ऑन करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर आप जो है एम्पियर में चेक कर सकते हैं, वोल्टेज चेक कर सकते हैं, एम्पियर आप जो है 200 से 1000 एम्पियर तक चेक कर सकते हैं, वोल्टेज चेक कर सकते हैं, किसी डाईबोर्ड को आपको चेक करना है तो आप उसको चेक कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को आपको चेक करना है आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर जो है 200 एम्पियर से 1000 एम्पियर तक आप चेक कर सकते हैं, और ऊपर हमको ऑफ का ऑप्शन दिया जाता है, और उसी तरीके का सिम्बल आपको नीचे भी मिल जाएगा। जैसा कि मैंने यहाँ पर जो है 200 एम्पियर पर लगा दिया, और आपको 200 एम्पियर नीचे भी मिल जाएगा। ठीक है, ये दोनों साइड से काम करता है। ठीक है,
तो ऐसे ही आपको जो है समझ लेना है, ठीक है। आपको जो चीज़ चेक करना है आप इसमें ओम चेक कर सकते हैं, एम्पियर चेक कर सकते हैं, वोल्टेज चेक कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल का अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट मीटर है ये, ठीक है। तो हम इसको यहाँ वोल्टेज में घुमा देंगे तो आप आपको यहाँ वोल्टेज चेक कर लेना है, ठीक है। यहाँ अगर ओम कर देंगे तो आप यहाँ ओम चेक कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट मीटर है, और मीटर होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो है अगर कोई हम जो है प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें हमको चेक करना होता है, तो हमको मीटर जो है लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो है डिजिटल मीटर है सबसे बेस्ट क्वालिटी का, आप इसको मार्केट से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। 266 क्लैंप मीटर हमारा है, ठीक है, एक नंबर है, और जो है यहाँ से आप इसको घुमा घुमा के चेक कर सकते हैं, आपको जो भी चेक करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इलेक्ट्रिकल वर्क करते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट मीटर है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। हमको नीचे यहाँ पर ऑप्शन दिया जाता है लीडे लगाने का, जो हमारे साथ दो लीडे मिली हैं आप उसको लगा सकते हैं, और यहाँ पर एक हमको बटन मिल जाता है कि आप किसी चीज़ को चेक कर रहे हैं तो उसको आप होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको होल्ड कर लेना है, और जो है ये हमको क्लैंप मिल जाता है, अगर किसी वायर में जो है करंट जा रहा आपको चेक करना है कि कितने एम्पियर जा रहा है, तो आप इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप एम्पियर को जो है बता सकता है कि ये कितने एम्पियर हमारे इस वायर में करंट जा रहा है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा ये अच्छी क्वालिटी का मीटर है, और हमारी ये दो लीडें हैं, तो चलिए इसमें जल्दी से लगा लेते हैं, आपको दिखाते हैं कि इसमें लीडें आपको कैसे लगाना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इलेक्ट्रिकल वर्क करते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट मीटर आप इसको ले सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, और ये मुझे सिर्फ ऑफलाइन परचेज हुआ है 250 रुपये में, ठीक है। तो ये ऑफलाइन काफ़ी ज़्यादा सस्ता, अगर आप इसको ऑनलाइन लेते हैं तो आपको ये 500 से 550 के बीच में मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको इसको ऑफलाइन ले लेना है, ठीक है। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको एक सब्सक्राइब मिलने बहुत अमूल्य है। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, जय।